जी तो आपकी पहली मूवी घरदे वाला की तरफ से किस तरह की एप्रिसिएशन है और राजकुमार सर आपके लिए दोनों के लिए? मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश है, मेरी फैमिली बहुत खुश है, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. और बस अब उनको यही लगता है कि मैं यू नो अच्छा काम करती जाऊँ, अच्छी फिल्में मुझे मिले, जैसे कि हर फैमिली को ही लगता होगा. ये तो फैमिली है, आप मतलब कुछ भी करो तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है. उनको तो जब मैंने पहली बार जिंदगी में एक छोटा सा कोई रोल किया होगा किसी ऐड में, तो वो तो उसमें भी इतने खुश हो जाते थे कि अरे तुम्हारी ऐड देखी. तो फिल्म में आना तो उनके लिए ऑफ कोर्स बहुत ही एक एक प्राउड मोमेंट है, तो वो लोग तो हमेशा ही खुश हो जाते हैं. मतलब लेकिन कोई भी चीज अगर ज्यादा हाईलाइट होता है, जैसे मूवी की बात करें, हिट हो गया, अभी लाइफ चेंज होता है, तो क्या कुछ चेंजेस आप में आ गए? कुछ चेंजेस नहीं, नथिंग, मुझे पता ही नहीं, जैसे लाइफ है वैसे ही चल रही है. राजकुमार सर आपके बैक टू बैक हिट, तो कोई चेंजेस चेंजेस नहीं यार, चेंजेस या कुछ और? नहीं, चेंजेस तो नहीं आए हैं क्योंकि टचवुड पहली फिल्म से ही फिल्म जो है सक्सेसफुल रहे हैं LSD के टाइम से ही. पर चेंजेस एज सच मुझ में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं. आई थिंक अगर आप में चेंज आ गए तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मतलब आप फिर वो ऑनेस्टी जो चली जाएगी आपके क्राफ्ट के लिए. यू नो अभी फुटबॉल मैच आने वाला है, तो फीफा बॉलीवुड के लोग बहुत फुटबॉल के दीवाने थे, कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो, कोई आपके फेवरेट प्लेयर आप दोनों? यार मैं ज़्यादा फुटबॉल देखता नहीं हूँ एक्चुअली ऑनेस्टली, तो आई डोंट नो मैं कितना इसमें जान पाऊंगा, बट मैं लास्ट ईयर थोड़े बहुत मैचेस देखे थे, तो आई थिंक अर्जेंटीना और ब्राजील आई थिंक आर माय पर्सनल फेवरेट्स. देखा आप जहां से बिलोंग करते हो, वहां के लोग फुटबॉल फुटबॉल खेलते हैं जी, पागल है. कोई फेवरेट प्लेयर और इसको आप सपोर्ट करेंगे कोई टीम को? नहीं, ब्राजील है, स्पेन है, ये सारे बहुत अच्छे खिलाड़ी है ना, तो मतलब जब वर्ल्ड कप में जाते हैं, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट गुड, बट इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डिपेंड्स, एंड मे द बेस्ट टीम विन. ओके, लास्टली यू नो हम अगर हम मूवी की बात करें, आजकल रिजलेन मूवी रिजनल जो सिनेमा काफी बहुत चल रहा है, तो क्या आपके कोई फ्यूचर में ऐसा प्लान है रिजनल सिनेमा? जी बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ, मैं तमिल करना चाहती हूँ, तेलुगू करना चाहती हूँ, बंगाली फिल्म करना चाहती हूँ, मैं सब रीजनल फिल्म करना चाहती हूँ. सिटी लाइट के बाद हिट तो हो गया, बट नेक्स्ट? जी मैं देख रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ साइन नहीं किया है, पर देखते हैं जल्द. सर आपके लिए अभी डॉली की डोली है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो वो आई थिंक नवंबर में रिलीज़ हो करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग. फिर है रेवोल्यूशन 2020 है राजकुमार गुप्ता जी के साथ. थैंक यू सो मच, गुड लक. थैंक यू थैंक यू सर.